अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो खालिद के खरगोश डेली एक एक करके मरे, तीन खरगोश मर गए हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि उनके जो घर है ना, उसमें कोई चीज़ है, बिच्छू या कोई ऐसी चीज़ है जहरीली जो उनको डस रही है, जिसकी वजह से मर रहे हैं। एक जो अभी खरगोश है उनको मैंने जो है ना इसमें पिंजरे बंद कर दिया ना। तो अब जो है ना उनका घर खोल के देखते हैं। ये एक खरगोश आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे अंदर मरा पड़ा है खरगोश। तो ये है ना, ईंटें रखी हुई थी ऊपर ताकि छापर उड़े ना। छापर रखा था सर्दी और बारिश और पानी वगैरह जो इसका जो आता है ना, तो इनका घर के अंदर नहीं जाएगा। ये मैंने सेटिंग की थी सारी इसकी, बच्चों ने घर बनाया था तो मैंने इनकी सारी सेटिंग की थी। तो ये अब जो है ना खाली कर रहा हूँ। तो ये छापर इनका रख दिया मैंने साइड पे। अब देखते हैं इधर तो बहुत सारा बीच में मरा पड़ा है। वो आपको नजर आ रहा है, वो मरा पड़ा है। कैसे ये क्या हुआ है समझ नहीं आ रही। इस तरह ये तो ये मैं इसको उठा के देखता हूँ, इसके अंदर तो नहीं कुछ भी। इसके अंदर तो मैंने कपड़े रखे हुए थे ताकि इनके ऊपर ना वो बैठ सकें। देख रहे हैं आप कपड़े, ये इनके अंदर कपड़े रखे हुए थे ताकि ये अंदर बैठ के ना अपना घोंसला बना सकें, सुकून से रह सकें। तो ये खरगोश को उठाते हैं, देखते हैं क्या हुआ इसे। ओ हो, ये पता नहीं इसको कैसे मर गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही ये क्यों इतने मरे। इनका घर जो बिल्कुल बंद किया हुआ था, ये देखिए ये इनका जो होता है यहाँ से इनका आने जाने का रास्ता था, ये भी इनके लगा के बंद कर देता हूँ मैं रात को, कहाँ से इनको कुछ तो सर्दी वगैरह नहीं लगे। छापर ऊपर डाला हुआ और तीन चार वो जाते हीट वो सही है बिल्कुल तीनों, तो इसकी समझ नहीं आ रही है क्यों मर गए। कोई चीज भी नहीं नजर आ रही। तो अब मैं प्लान सोच रहा हूँ कि उस डब्बे में ना जो उनका घर है डरबा है खरगोशों का, उसमें मुर्गियों का दाना डालता हूँ। मुर्गियों को वहीं पे रहने दूंगा, नीचे लगा दूंगा ताकि अंदर से कोई बिच्छू वगैरह निकलेगा, मुर्गियों को उसे चट से खा लेंगे। ठीक है, बिच्छू सांप और ऐसी चीज़ें जो है ना वो मुर्गियाँ खा जाती हैं, जहरीली चीज़ मुर्गी खा जाती है सारी। और मुर्गी कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, ये बिच्छू वगैरह, इनको मुर्गियाँ जो है ना वो ईंटों की दराड़ों के बीच में से भी निकाल लेगी। तो मैं इसको जो है ना ये दाना लेके लेके जाता हूँ। आप दो मुर्गियां इसके अंदर बंद कर दी हैं और उनको दाना भी थोड़ा सा डाल दिया है और अब ये शाम तक यूँ ही रहेंगी। अगर कोई चीज़ इसमें से कोई जानवर कोई चीज़ ऐसी निकली, ठीक है,
तो पता चल जाएगा कि खरगोश को किस चीज़ ने काटा है खाने के लिए, ठीक है। और मेरा जो मैं सोच रहा हूँ ना कि इनको भी इनके साथ ही बंद किया करूँगा पिंजरे में, ठीक है। अभी इनको जो मैं खोल देता हूँ ताकि खाली ना रोटी बता दूँ। ये खरगोश जो है ना इसका भी कोई चीज़ लगी हुई है, इस खरगोश के नाक के ऊपर कोई चीज़ लड़ी हुई है, ये देख रहे हैं आप इस खरगोश के नाक। तो ये देखें इसका भी मुंह जो है ना वो ऊपर से रेड हुआ, रेडिश हुई है और सूजा हुआ है इसका मुंह, इसको भी कोई चीज लड़ गई है, कुछ हुआ है इसे। तो ये देखें ये जोड़ा था दोनों, ये और ये, एक तो लव प्यारा हो गया। ये जो है ना जब सोच रहा है सारे जानवर मेरे पास आ जाते थे ऐसे खरगोश, और वो जो है वो देखे उसके पास ही वो बैठा है, वो देखे। अब ये कभी इधर आ रहा है ऐसा तो फिर मुझे दाना डालो, तो मार कबूतरों को, कबूतरों को मारा कर अच्छा, तो तेरा और किसी बस नहीं चलता कबूतरों को मारा। तेरा ख्याल है तुझे पकड़ नहीं सकता ये ले खा, ये ले खा, ये ले खा, ये अब तो हाथ भी खाएगी, अब तो हाथ भी खाएगी डायनासोर की लाल डायनासोर की हाथ खाएगी मेरा, ये ले ये उई। मेरा वाइट कबूतर किधर गया वो देख, कबूतरा बेटा सीधा तेन दिते रब दवा, तेन दिते रब दवा, आ जा आ जा आ जा इधर आ जा बाहर आ जा, वो देख पाव पर खिला कहता मैंने नहीं बाहर आना, आ जा आ जा आप अब हाथ से आ अब आएगा हाथ ये आ गया, ये भी आ गया, आ जा आ जा आ जा, हाथ भी दाना खत्म खेल खत्म पैसा हजम, दाना खत्म पैसा हजम। यार नीचे उतर इसको तो मैं छोड़ू, मेरा रैबिट आ गया, ये देखते साले पीले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियां और थोड़े से हैं हम, ये मेरे पाँव खा रहे हैं। अब
इन्होंने खाना जो खाली डाला था वो खा लिया। अब चलते हैं अपने फिश की तरफ, फिश देखते हैं फिश को क्या हुआ। सर्दी तो नहीं लग रही कहीं पे। जो है वो मैंने रखी है नीचे ताकि मुर्गियां ऊपर से ना, जो मुर्गियां इतनी तेज है गोल तोड़ के उनको खा देंगी, तो इसलिए मैंने जो है इसको कमरे में रखा हुआ। तो दोस्तों ये हमारी फिशेज हैं, ये देखें ये फिशेज हैं हमारी, ये तो ये मैंने बॉल जो है ना जहाँ पे सेट किए हैं, तो ये जो बॉक्स हैं ये आप मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैंने ये बनाए हैं खुद ही। तो क्योंकि ये खाली जो है ना डरता था पापा ये मैं कैसे उठाऊंगा, तो मैंने ये बॉक्स बना लिया, इसके अंदर जैसे मर्जी इनको उठा सकता है, जहाँ मर्जी लेके जा सकता है। तो ये देखें ये दूसरा बॉल है, इसमें हमारी फिश देखें, ये तीसरा बॉल है, इसकी फिश देखें, इसमें छह फिश थी जो तीन मर गई हैं, तीन अभी बाकी हैं, तो मैंने ना और लेके आनी है। वो सांप मछली होती है, सांप फिश होती है, तो वो वाली ये खाली करता था, मुझे बोला कर, मैंने उसे बोला के दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, और हमारी हर आने वाली वीडियो आप जरूर देखा करें, उसकी मदद करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।